फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पुतिन का फारिस के लिए लगाव और उनका विजन इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, भारत जैसे रूस के पार्टनर्स के लिए अभूतपूर्व अवसर लेकर के आया है। उन्होंने रशियन फारिस के विकास को नेशनल प्रायोरिटी फॉर द 21st सेंचुरी घोषित किया है। उनकी होलिस्टिक अप्रोच यहां जीवन के हर पहलू को, इकोनॉमी हो या एजुकेशन, हेल्थ हो या स्पोर्ट्स, कल्चर हो या कम्युनिकेशन, ट्रेड हो या ट्रेडिशन, हर एक को बेहतर बनाने का प्रेयक प्रयास है। एक और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोले हैं तो दूसरी ओर सामाजिक सेक्टर्स पर भी उतना ही ध्यान दिया है। मैं स्वयं उनके इस विजन से प्रभावित हुआ हूं और इसे शेयर भी करता हूं। भारत उनकी इस विजनरी जर्नी में कदम से कदम मिलाकर रूस के साथ चलना चाहता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि फार ईस्ट और व्लादिवोस्तोक के रैपिड, संतुलित और समावेशी विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन का विजन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि यह रियलिस्टिक है और इसके पीछे यहां के मूल्यवान संसाधनों और लोगों की असीम प्रतिभा है। उनके विजन में इस रीजन के लिए और यहां के लोगों के लिए सम्मान और प्यार झलकता है। भारत में भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। तेजी से बढ़ते भारत और उसकी प्रतिभा की इस रीजन से भागीदारी एक और 11 बनाने का ऐतिहासिक मौका है। फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन से हमने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हमारे पार्टिसिपेशन के लिए अभूतपूर्व तैयारी की। कई मंत्री, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और करीब 150 बिजनेस लीडर्स यहां आए। उन्होंने राष्ट्रपति के विशेष दूत, फार ईस्ट के सभी 11 गवर्नर्स और उनके बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। रूस के मंत्री और फार ईस्ट के बिजनेस लीडर भी भारत आए। मुझे ये बताते हुए खुशी रही है कि हमारी इन कोशिशों के बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। एनर्जी से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन से लेकर के स्किल डेवलपमेंट, माइनिंग से लेकर के टिम्बर, अनेक क्षेत्रों में करीब 50 बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। इनसे कई $1 बिलियन के व्यापार के निवेश की अपेक्षा है।